नमस्कार दोस्तों। तो ये जो है वॉशिंग मशीन का ये एक्सटेंशन है पाइप का, और इसे नल में फिट करना है। ठीक है, तो इसे किसी भी नल में हम लोग फिट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो नल है इसका आप जब होल देखिएगा तो ये थोड़ा सा अजीब टाइप का है। ठीक है, और मैं अभी दिखाता हूँ इसमें टाइट करके किस तरह से ये जो पानी का जो ये है दोस्तों, ये इधर से लीक कर जा रहा पानी। तो अभी मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ। तो इसे देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब हम जैसे ही पानी खोलेंगे दोस्तों, तो ये देखिए इसका जो लीकेज है आपको ऊपर में दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे नल को बंद करना है, ऊपर से देखना है लीकेज को। देखिए यहाँ से लीकेज पता चल रहा होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप इसमें लगाना चाहते हैं तो ये नल को बदलना पड़ेगा। तो ये नल किस तरह से लगाएंगे और किस तरह का होता है वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यही हमारा वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, और इसके लिए जो नल होगा दोस्तों देखिए इस तरह का लगेगा। तो दोस्तों इसका नल जो है ये देखिए इस तरह का होना चाहिए, और ये नल जब लीजिएगा दोस्तों तो इस तरह का आपका इसका टोटी भी मिलेगा, और इसमें देखिए इस तरह से आप टाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो वॉशिंग मशीन का जो होल्डर होता है दोस्तों पाइप में लगाने वाला, देखिए इस तरह से है। और इससे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं, और ढीला करने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसे हमें यहाँ पे इस तरह से लगाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ढीला कीजिए, और ढीला करने के बाद अंदर में जो सॉकेट लगा हुआ है आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला। ठीक है, ये इसे ढीला करने से निकल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये निकल गया। अब क्या करेंगे, इसे यहाँ पे लगा कर देखना दोस्तों कि इसमें लग रहा है कि नहीं। तो ये देखिए इसे इस तरह से लगाएंगे, और यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से फंस जा रहा है दोस्तों। और इसे इसका नीचे वाला जो सरफेस है दोस्तों देखिए एकदम प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन होना चाहिए इसलिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रबर लगा हुआ दोस्तों। जब यहाँ पे ये इस तरह से जाएगा तो रबर में पूरा मतलब सरफेस जो है पूरा टच होना चाहिए, ताकि पानी हमारा यहाँ से ना निकले। तो इस नल को पहले हम क्या करते हैं, लगाते हैं। नल को लगाने के बाद हम इसे इसमें लगाकर आपको चेक करके दिखाएंगे। तो देखिए इस नल को हम अभी खोलते हैं। खिलौना वाले नल किसके लगा रहे हो आप? अब देखिए दोस्तों नल हमारा लग चुका है, और यहाँ से पानी भी गिर रहा है। ठीक है, अब हम किस तरह से इसे लगाएंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो होल्डर है दोस्तों इसे हम इसमें सबसे पहले लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, और थोड़ा सा हल्का सा टाइट करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए ये होने के बाद इसे हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे, और लगाने के बाद थोड़ा सा टाइट करना है, इसे चारों तरफ से हल्का हल्का टाइट कर देना है, पूरा टाइट नहीं करना है। चलिए देखिए ये हमारा टाइट हो चुका है। ठीक है, अब टाइट होने के बाद अभी हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये इसका नीचे वाला पॉइंट है दोस्तों, इसे इस तरह से बंद करना है, और नल को खोल कर देखना है कि हमारा लीकेज हो रहा है कि नहीं। देखिए लीकेज हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसे हम इस तरह से टाइट करते जाएंगे। इस तरह से टाइट करने से क्या होगा, लीजिए ये हमने टाइट कर दिया। अब देखते हैं फिर से खोल के, ये देखिए लीकेज थोड़ा सा कम हुआ है दोस्तों। अब थोड़ा सा और टाइट करते हैं, लीजिए अब फिर से खोल कर देखते हैं, तो देखिए लीकेज पूरा बंद हो चुका है दोस्तों। और जैसे ही पानी यहाँ पे हम खोलेंगे, आप देखिए ये देखिए देखिए लीकेज पूरा बंद हो चुका है।
सिंपल क्या करना है दोस्तों, यहाँ से तो पानी हमारा लीक नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है अब इसमें हम इस तरह से लगा देंगे, इसे ऊपर करना है और इस तरह से इसे पुश कर देना है दोस्तों। अब देखिए हम यहाँ पे खोलते हैं, कोई भी लीकेज नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों वॉशिंग मशीन हमारा चालू है और पानी देखिए कितना अच्छा से आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए कोई लीकेज भी नहीं है,